फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका सहनास का। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो सभी बारात आने वाला है, तो सभी के घर पे कुछ ना कुछ जो सभी बारात स्पेशल हम ज़्यादातर क्या बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, साथ में शरबत बनाते हैं। तो मैंने इस चीज़ को एक नए तरीके से और नए एक कॉम्बो रेसिपी के साथ मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें कि तीन चीज़ रहेंगे एक साथ। और सारी जो रेसिपी हैं यानी कि डिश हैं, वो सारे एकदम से घर की चीज़ों में और कम चीज़ों से आप इसे बना के तैयार कर पाएंगे। और बनने में भी बहुत जल्दी है, आसान भी है ये रेसिपी, और आपको पसंद भी आएगा। तो इसको देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, रेसिपी को फॉलो करिए। अगर मेरी रेसिपी वीडियो दोनों पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही यम्मी मज़ेदार रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर डालते रहती हूँ। तो इसके साथ साथ अगर आपको मेरी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ देखनी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे जाके भी देख सकते हैं। और इस रेसिपी में मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी बताऊंगी, जिसे फॉलो करके आप भी ये मज़ेदार रेसिपी बना के तैयार कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शरबत बनाएंगे। शरबत बना के हमें फ्रिज में भी रखना है ठंडा करने के लिए। तो सारी तैयारी मैंने यहाँ पे कर ली है। और बादाम को मैंने एक घंटे पहले भिगा लिया था और मैं आधे लीटर दूध का बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें मेज़र की हुई है। तो अब बादाम का जो है छिलका हटा लेंगे पहले। ये बादाम की जो शरबत है बहुत ही यम्मी होता है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही कम लगते हैं, लेकिन पीने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो अब बादाम का छिलका हटाने के बाद एक मिक्सी का जार लेना है और बादाम को डाल के इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के 2 टेबल स्पून दूध हमें इसमें ऐड करेंगे, लेकिन 2 बार में ऐड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो अब पेस्ट को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस पे सॉस पैन रख लिया है और साथ में इसमें दूध डाल देंगे। दूध को हम चलाते हुआ पकाएंगे एक उबाल आने तक। गैस का फ्लेम जो है मैंने हाई पे रखा हुआ है। जैसे ही दूध में एक उबाल आएगा, तुरंत ही गैस का फ्लेम हमें स्लो करना है। और मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून शुगर, और साथ ही हमने जो बादाम का पेस्ट बना के रखा था उसे भी ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें इसे 5 से 7 मिनट पकाना है स्लो फ्लेम में, मीडियम टू स्लो में रख लीजिए। और इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हम इसका शरबत बना रहे हैं, तो शरबत जो है इतना गाढ़ा नहीं रहता है। तो अब मैं इसमें इलायची का पाउडर ऐड करूँगी 5 से 7 मिनट पकने के बाद। तो इलायची का पाउडर ऐड करने के बाद और 2 मिनट पकाएँगे। उसके बाद मैं इसमें बादाम का कटा हुआ कतरन ऐड कर दूंगी, थोड़ा से ही ऐड करेंगे हम। उसके बाद फिर से स्टर करेंगे और एक उबाल आने देंगे। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा बादाम का शरबत। अब इस गैस को बंद करना है और रूम टेम्परेचर में इसे ठंडा करेंगे। उसके बाद इसे फ्रिज में रखना है, एकदम चिल्ड कर लेंगे, तो इसमें पीने में बहुत मज़ा आता है। तो शरबत हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए पूड़ियों के लिए आटा लगाते हैं। 2 कप मैदा मैंने ले लिया है और 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया, और 2 टेबलस्पून जो है इसमें ऑयल डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। और मैं इसके साथ एक टिप्स भी आपको शेयर कर रही हूँ। पूड़ियों का आटा एकदम नरम लगा लीजिए, उसके बाद इसे ढक के 15 से 20 मिनट रख दीजिए। और उसके बाद में हम तो जो है हम बर्फ़ी की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि रवा की जो हम बर्फ़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, उसमें 1/4 कप जो है घी डाला है। उसके बाद 1 कटोरी जो है मैंने यहाँ पे रवा डाला है, यानी कि सूजी डाला है, और उसको भून लेंगे हम। ज़्यादा नहीं भूनना है, 5 मिनट भूनेंगे। उसके बाद इसमें पानी ऐड करना है मेज़र करके। जिस कटोरी से हमने रवा ऐड किया था उसी का 2.5 कटोरी जो है पानी ऐड करेंगे। 1 कटोरी सूजी के लिए 2.5 कटोरी जो है पानी ऐड करना है। मेज़र सही होगा तो ही आपका जो बर्फ़ी है सही बनेगा। अब इसको स्टर करेंगे, गैस का फ्लेम स्लो करेंगे, एकदम से लम्स फ्री हमें इसे करना है। ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, बस आप वीडियो में इसकी प्रोसेस जो है देखते जाइए, आप भी इस तरह से बना के तैयार कर पाएंगे। तो जैसे ही ये लम्स फ्री हो जाएगा, तुरंत ही गैस का फ्लेम स्लो करके इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद जब आप लीड खोलेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो पानी है सारा चला गया है और ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 कप शुगर। जिस कटोरी से आपने सूजी नापा था उसी से 1/2 कटोरी आप जो है शुगर ऐड कर दीजिए।
और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज वाली डाल रही हूँ। अगर आपको फूड कलर नहीं डालना है तो आप गर्म दूध में केसर डाल के रख दें, 4-5 दागे उसके भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं काजू बादाम के कटे हुए कतरन इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे फटाफट से। और इससे जो है बढ़िया सा कलर आता है, बहुत ही मज़ेदार सा कलर अब आएगा हमारे बर्फ़ी में, यानी कि रवा वाली बर्फ़ी में। बस अब स्टर कर अच्छी तरह से करेंगे, इसको चलाते जाएंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इलायची का पाउडर डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे और इसको चलाते जाएंगे जब तक कि जो हमारा बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। तो ये भी हमारा बनके तैयार हो गया। तो वन बाई वन सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके पास टाइम भी बचेगा और सारी चीज़ें बड़े आसानी से तैयार होती जाएंगी। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा बर्फ़ी के लिए डो। तो अब इसको फटाफट से हम एक बड़े से प्लेट में, मैंने यहाँ पे ऑयल ग्रीस कर लिया है, अब घी ऑयल कुछ भी ग्रीस कर लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद हमने जो रवा का मिक्सचर बना के रखा है उसे हम प्लेट में ऐड कर देंगे, यानी कि प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। सारे रवा के मिक्सचर को प्लेट में डालने के बाद अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और गरम गरम है तो इससे अच्छे से सेट भी हो जाता है। स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे और एक समान कर लेंगे और प्लेन कर लेंगे इस तरह से। और क्या होता है ना, ये हम हमेशा जो है सूजी का हलवा बनाते हैं, यानी कि रवा का हलवा बनाते हैं, इसका जो बर्फ़ी है बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाने का तरीका तो सेम ही है, बस थोड़ा हम इसको अलग तरीके से सजावट कर लेंगे। तो ऊपर से थोड़े काजू बादाम का कतरन हमें डाल देंगे, आपकी पसंद की आप और भी कुछ ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। आप जितना अच्छी तरह से सजाएंगे उतना देखने में ये अच्छा लगेगा, खाने के साथ साथ देखने में भी अच्छा लगना चाहिए कोई भी चीज़। तो अब इसमें चांदी का वर्ग लगा देंगे और थोड़ा अच्छा लगने के लिए, अगर आपके पास है तो लगाइए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, हमारी बर्फ़ी जो है एकदम मार्केट वाली लगने लगेगी। अगर आप किसी को आप देंगे तो उन्हें नहीं लगेगा कि आपने इसे बहुत बड़े सिंपल तरीके से घर पे ही बनाया हुआ है। तो लीजिए, हमारी बर्फ़ी की प्लेट भी रेडी हो गई है, इसे भी चलिए ठंडा होने रख देते हैं। तो चलिए, अब हमारा आटा भी सेट होकर रेडी हो गया है पूड़ियों के लिए। तो इसको हम हाथों से अच्छी तरह से मस लेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि हमने नरम सा डो लगाया है, तो उसके लिए हमें ऊपर से थोड़ा ऑयल डालना है और उसके बाद अच्छी तरह से हाथों से मसल लेना है। तो ये एक टिप्स है, अगर आप पूड़ियों का जो आटा है थोड़ा नरम लगाएंगे और साथ में ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से मसल देंगे तो आपकी जो पूड़ी है वो बहुत अच्छी तरह से फूली फूली बनेगी और बहुत देर तक सॉफ्ट रहेगी। और बहुत देर तक ये फूली हुई भी वैसे का वैसी रहेगी, आधे घंटे तक भी आप इसे रख दीजिए लेकिन फूली हुई ऐसे रहेगी, आप ज़रूर आगे वीडियो में देखिएगा। तो अब इसको पूड़ियों को बेलना है, थोड़ा थोड़ा सूखा वाला मैदा छिड़क के हम बड़ा बड़ा रोटी बनाएंगे क्योंकि हमें इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी हैं। तो सेम साइज़ की पूड़ियाँ देखने में क्यूट भी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले एक बड़ा सा रोटी बना के तैयार कर लेना है, इससे काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो इस कटोरी की हेल्प से मैं सारी पूड़ियाँ जो निकाल लेती हूँ उस तरह से, जितना हमें एक रोटी से निकलेगा उस तरह से निकालेंगे, बाकी का इस तरह से बेलते जाएंगे और कटोरी की हेल्प से कट करते जाएंगे। तो इससे पूड़ियाँ जल्दी बनके तैयार होगी, सेम साइज़ की बनेगी और बहुत अच्छी से फूल के तैयार होगी। तो इसी तरह से सारी पूड़ियों को पहले बेल लेंगे। तो अब इधर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने मैंने रख दिया था, मैंने पूड़ी एक डाल लिया है। अब देखिए, गुब्बारे के जैसे फूलने लगा है ये, इसी तरह से ये फूलेगा और बहुत देर तक इसी तरह से ही रहेगा, आप ज़रूर देखना। इसी टिप्स के साथ अगर बनाएंगे आपकी पूड़ी भी ऐसे ही बनेगी। तो फटाफट से वन बाई वन मैं डालते जा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये पूड़ियाँ जो है फूलते जा रही है। तो इसी तरह से पूड़ियों को भी बना लेंगे क्योंकि हमारी बाकी की तैयारी तो हो चुकी है और पूड़ियाँ भी बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी फ्लफी जो है पूरी हमारी बनके रेडी है। तो चलिए, अब प्लेट में सर्व कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो उससे पहले बर्फ़ी को कट कर लेते हैं अपने मनपसंद के साइज़ में। तो मैं इस तरह से उसको जो है काजू कतली के शेप में कट करूँगी, आप चाहें तो आप अपने स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं और अपने पसंद के कोई भी शेप में आप कट कर लीजिए।
ये कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही आप कट करिए, तभी आपका जो बर्फी है परफेक्ट निकलेगा। अगर थोड़ा सा भी गर्म होगा तो ये टूट जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट बर्फी जो है हमारी निकल गई है रवा की। तो एक एक करके सारा निकालेंगे और प्लेटिंग करेंगे। तो प्लेट मैंने यहाँ पर रख लिया है, तो सबसे पहले बर्फी रखेंगे। अब पूड़ियों को भी रख देंगे। अब देखेंगे पूड़ी कितनी फूली फूली अभी भी है। मैंने 10 मिनट पहले ही इसे फ्राई किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी फूली हुई है ये। बहुत देर तक ऐसे ही फूली रहने वाली है। आप फ्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसी टिप्स और ट्रिक के साथ अगर करेंगे तो। पूड़ी और इस बर्फी की प्लेट तो लग गई है और शरबत भी हमारा ठंडा हो गया है। तो चलिए इसे गिलास में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी शरबत बन के तैयार होता है। इसे चिल्ड करके आप पिए या सर्व करें। ऊपर से थोड़ा बादाम का कतरन डालेंगे और ज़्यादा कलरफुल करने के लिए इसे मैं डालूंगी इसमें 2 गुलाब के पंखुड़ियाँ यानी कि रोज़ पेटल, और थोड़ा सा कट करके इसको मैंने यहाँ पे बर्फी में भी सजा देना है, ताकि सवे बारात स्पेशल हम बना रहे हैं ये वाली प्लेट, कॉम्बो प्लेट देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ही मतलब एक रहता है ना, अगर हम खाना बनाते हैं तो अगर देखने में भी खाने दोनों में ही अच्छे लगे तो हमें एक अलग सा सुकून लगता है। तो लीजिए तैयार है हमारी सवे बारात स्पेशल कॉम्बो रेसिपी। ज़रूर आप ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपने बनाया कैसी बनी। तो फिर मिलूंगी एक अलग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह।